पृथ्वी पर तबाही के स्पष्ट संकेत, ग्लोबल वार्मिंग की खतरनाक चेतावनी। देश प्रदेश में एक बार फिर बढ़ा कोरोना का कहर, बढ़ते मामले, बढ़ा रहे चिंता। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम, प्रधानमंत्री बोले, अब महिला के पैसे रसोई के डिब्बे से बैंक खाते तक पहुंचे। 15 अगस्त से पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक मल्टी टेरर अलर्ट, खुफिया एजेंसियों ने जारी की चेतावनी। और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित फिल्म शेरशाह रिलीज। नमस्कार, द रीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से गिरे मलबे के नीचे एक बस और कई वाहन दब गए। किन्नौर से शिमला जा रही इस बस में 40 यात्री सवार थे। इस हादसे में अभी तक 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और बाकी लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस इलाके में ये भूस्खलन की घटना हुई है वो इलाका इस मामले में पहले से ही संवेदनशील है। क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पहाड़ों के दोहन की वजह से हिमाचल प्रदेश में इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले लैंडस्लाइड की घटनाएं 116% बढ़ गई हैं। वहीं बादल फटने की घटनाओं में 121% की वृद्धि हुई है। इस साल 13 जून से 30 जुलाई तक अकेले हिमाचल प्रदेश में ही लैंडस्लाइड की 35 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें अब तक 187 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले महीने ऐसी एक घटना में 9 पर्यटकों की मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी कुछ दिनों पहले लैंडस्लाइड की वजह से एक पूरा पहाड़ और उस पर बनी सड़क खिसक गई थी। भारत में लैंडस्लाइड की 28% घटनाएं पहाड़ों पर हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से होती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। लैंडस्लाइड की दूसरी सबसे बड़ी वजह तेज और बेमौसम बारिश है, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 4,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां कभी भी बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हो सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जिसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं, वो भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया में पहले से ज्यादा सूखा पड़ेगा, ज्यादा तूफान आएंगे और बेमौसमी बारिश भी होगी। एशिया में पहले से ज्यादा लू चलेंगी। हिंद महासागर पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म होगा, जिसकी वजह से भारत जैसे देशों में पहले से ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ज्यादा बाढ़ आएगी। मानसून का पैटर्न भी बिगड़ जाएगा। देश में कोरोना वायरस का कहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर से कोरोना ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों से जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली है। यहाँ करीब 6 दिनों में 300 से अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है कि तीसरी लहर ने दस्तक देना भी शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में एक तरफ जहां पाबंदियों को खोलना जारी है, तो कुछ जगहों पर नए मामलों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ऐसे ही नतीजे दिखे हैं। यहाँ करीब 6 दिनों में 300 से अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर का ये आंकड़ा राज्य में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है। बेंगलुरु प्रशासन द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उनमें 0 से 9 साल के करीब 127 और 10 से 19 साल के करीब 174 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये आंकड़ा 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच का है। इसके अलावा यदि अन्य जिलों की भी बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोले गए थे और यहाँ भी कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद 22 अगस्त तक फिर से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में अभी भी करीब 4,00,000 कोरोना के एक्टिव केस है। जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो सबके लिए चिंताजनक है। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को और अधिक प्रेरित करने के लिए उन्हें अब
20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। पहले इसकी सीमा 10 लाख रुपए तक ही थी। पहले अधिकांश महिलाएं पैसे को रसोई के डिब्बे में रखती थी, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो उन्होंने देखा कि देश की करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, जो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बड़ा अभियान शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि 42 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते हैं, जिनमें से 55% महिलाओं के पास है। इन खातों में हजारों करोड़ है। हमने न सिर्फ बैंक खाते खोले बल्कि कर्ज भी माफ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। ये अलग बात है कि देश में महंगाई ने जो विकराल रूप लिया है, उससे सरकार की कथनी और करनी में फर्क भी दिखता है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तो मिले, लेकिन सिलेंडर की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ऐसे में कोरी बातों पर व्यवहारिक होने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अनेक वर्षों तक बहनों की आर्थिक सशक्तिकरण की उतनी कोशिश ही नहीं की गई जितनी होनी चाहिए। जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आज देश में 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। इनमें से करीब 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं। इन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा है। अब पैसे रसोई के डिब्बे में नहीं, पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच खुफिया एजेंसियों को आतंकियों के बड़े प्लान के बारे में पता चला है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए राजधानी समेत अन्य राज्यों को अलर्ट किया है। एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर कहा है कि जैश और लश्कर के आतंकी देश में बड़ा हमला कर सकते हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, GRP, लोकल पुलिस और तमाम स्टेट के इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है। आतंकियों के रडार पर महत्वपूर्ण सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट और जवान टारगेट पर हैं। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर देश को दहलाने के लिए आतंकी सोफिस्टिकेटेड IED का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इनपुट मिले हैं कि IED का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस पर धमाके के लिए किया जा सकता है। इस बार आतंकी सोफिस्टिकेटेड IED का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन कई बार IED ब्लास्ट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो सर्किट होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ऐसे में आतंकी इस बार IED में 2 डिस्टेंस मैग्नेट भी लगा सकते हैं, ताकि अगर IED प्लांट करने में कोई गलती हो जाए तो मैग्नेट के जरिए सर्किट कंप्लीट हो जाए और ब्लास्ट हो जाए। इसे सोफिस्टिकेटेड IED भी कहते हैं। एक दूसरे अलर्ट में बताया गया है कि 6 लश्कर आतंकी लश्कर के कमांडर मोहम्मद सादिक की लीडरशिप में POK में पोर्टल नाम से लॉन्चिंग पैड 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के रास्ते देश में घुसपैठ करने के लिए तैयार है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी POK में तो दोते नाम के लॉन्चिंग पैड पर तैनात है। ये लॉन्चिंग पैड बालाकोट के करीब का इलाका है। जैश के ये 5 आतंकी भी जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करने की फिराक में है और IED ब्लास्ट को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक और अलर्ट में बताया गया है कि लश्कर के 4 आतंकी घुसपैठ के फिराक में है। 4 आतंकियों का ये ग्रुप POK के तुंदवाला फॉरेस्ट एरिया के लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है। लश्कर के इन 4 आतंकियों का प्लान है कि पहले घुसपैठ की जाए और फिर जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला किया जाए। 2021 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म शेरशाह रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कियारा आडवाणी की जोड़ी नजर आएगी। ये फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। फिल्म खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कैप्टन बत्रा को कारगिल युद्ध में उनके शौर्य और पराक्रम के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। बताया जाता है कि युद्ध में दुश्मन हमारे सैनिकों को पहचान नहीं पाए थे,
इसलिए हर सिपाही को एक मिलिट्री कोड नेम दिया जाता है। उसी क्रम में विक्रम बत्रा को शेरशाह कोड नेम दिया गया था और इसलिए इस फिल्म का नाम शेरशाह रखा गया है। निर्माता करण जौहर की ये फिल्म कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। फिल्म में ये बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। निर्देशक विष्णुवर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई दो चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीय लोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।